नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे आने वाला रिपब्लिक डे का सेल, लेकिन उससे पहले ही कई सारे फोन पर सेल को लाइव कर दिया गया है और डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है। तो यहाँ पे दो तीन ऐसे फोन है जिस पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है और तीनों फोन का प्राइसिंग कहीं ना कहीं सिमिलर है। पहला है रियलमी 9 प्रो प्लस, उसके बाद है पोको F4 5G स्मार्टफोन, उसके बाद है रेडमी नोट 12 प्रो। इन तीनों स्मार्टफोन का प्राइसिंग बिल्कुल सिमिलर है और डिस्काउंट करने के बाद ये तीनों फोन काफी कम प्राइसिंग का मिल रहा है। तो इन तीनों फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए या फिर कौन सा फोन वेस्ट रहेगा या फिर किस फोन पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आज के वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। देखिए, तीन ऐसे फोन है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर जिस पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है। पहला रियलमी 9 प्रो प्लस, ये फोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा 20,500 रुपये में। उसके बाद है पोको F4 जो कि आपको डिस्काउंट करने के बाद मिलेगा 23K में। उसके बाद है रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन, ये फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसका पहला सेल कल था। ये फोन भी आपको डिस्काउंट करने के बाद मिलता है 22K में। तो सभी का प्राइसिंग कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन तीनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन है या फिर जो रियलमी 9 प्रो प्लस है, दोनों का स्पेसिफिकेशन काफी सिमिलर है, कैमरा सेटअप भी काफी सिमिलर है और प्रोसेसर भी कहीं ना कहीं सिमिलर है। बिकॉज मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। इन्हें दोनों का स्पेसिफिकेशन आप कह सकते हो कि बिल्कुल सिमिलर ही है। और जो पोको F4 5G स्मार्टफोन है, ये फोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा 23K में, लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है। इस फोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर जो कि आता है LPDDR5 RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। तो पोको F4 ज्यादा बेटर हो सकता है बिकॉज इसमें स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा दिया गया है और हर एक एंगल से काफी अच्छा है पोको F4 5G स्मार्टफोन। चलिए अब हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर आप डिसीजन ले पाओगे कि इन तीनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। देखिए, पोको F4 5G स्मार्टफोन है, ये फोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा 23K में और इस फोन पर जो भी ऑफर है वो आपको एक्सचेंज करने के बाद भी मिल जाएगा, जिसका फुल प्रूफ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा हूँ, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। वही अगर हम बात करें रियलमी 9 प्रो प्लस का, तो ये फोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा 20,500 रुपये में। हालांकि यहाँ पर जो बेस ब्रांड है इसका स्टॉक काफी कम है, लेकिन ये फोन आपको मिलता है 20,500 रुपये में और इसमें दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। वहीं अगर हम बात करें रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो इस फोन में दिया गया है एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि रियलमी 9 प्रो प्लस है, इसमें दिया गया है 90Hz वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ और हर एक एंगल से काफी अच्छा है रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन। देखिए, अगर आपको स्मार्टफोन में गेमिंग करना है तो आप ले सकते हो पोको F4 को, बाकी मामले में आप रियलमी 9 प्रो प्लस या फिर रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो बिकॉज कैमरा दोनों का काफी अच्छा ही है और छोटे मोटे चीजों में अंतर है। जैसे कि रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन है, इसमें दिया गया साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जबकि रियलमी 9 प्रो प्लस है, इसमें दिया गया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। दोनों फोन में हेडफोन जैक भी दिया गया है, जबकि पोको F4 5G स्मार्टफोन है, इसमें हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। तो यही छोटा मोटा स्पेसिफिकेशन है जो कि डिफरेंट है दोनों फोन में। बाकी अगर हम बात करें UI के बारे में, तो रियलमी 9 प्रो प्लस है, ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 12 पर और रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन है, ये भी आया है एंड्रॉयड 12 पे ही। लेकिन जो रेडमी के फोन में आता है MIUI, इसमें आपको बहुत सारा बग भी देने को मिलता है और अपडेट के माध्यम से कई बार रेडमी के फोन का मदरबोर्ड भी डेड हो जाता है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। मेरे पास भी रेडमी K20 स्मार्टफोन है, इसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है। उसके बाद एक और फोन है जो कि MIUI पर ही बेस्ड है, यह पोको X3 प्रो, इसमें भी प्रॉब्लम आ चुका है। उसके बाद एक और फोन है MIUI पर बेस्ड जो कि है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन, इसमें भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आते रहता है। तो प्रॉब्लम काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको रेडमी के MIUI में, जबकि रियलमी के UI में ऐसा कोई भी इशू नहीं है और रियलमी 9 प्रो प्लस कहीं सस्ता भी है, आपको मिलता है 20,500 रुपये में। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो अगर आपको गेमिंग करना है तो आप जा सकते हो पोको F4 के साथ, और अगर आपका बजट काफी कम है तो जा सकते हो रियलमी 9 प्रो प्लस के साथ। हालांकि रियलमी 9 प्रो प्लस इससे पहले आपको मिल चुका है अंडर 18K में। बाकी मामले में या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आप ले सकते हो रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन को। धन्यवाद।